बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने सूबे की परेशानी बढ़ा दी है। कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राज्य के मुख्य सचिव अरुण सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खास बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव होने के दो दिन तक मंत्री ने इस बात को छिपाया। इस दौरान मंत्री जी विभागीय और सार्वजनिक काम में व्यस्त रहे। कोरोना संक्रमण के दौर में पटना के किलकारी भवन के बच्चों ने एक अनोखी डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस के इस्तेमाल से मास्क और सैनिटाइजर से आपको मुक्ति मिल सकती है। आसपास 8 मीटर की दूरी तक किसी के बीमार होने पर यह डिवाइस संकेत देना शुरू कर देगा। मधुबनी पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ वाहन चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पूर्णिया में जीजा से अवैध संबंध के कारण एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। कालीगंज की इस घटना में महिला ने जीजा के साथ मिलकर अपने पति का अपहरण कराया और फिर हत्या कर दी। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के कारण दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। इस दौरान दो लोगों को गोली लग गई। अस्पताल ले जाने के दौरान एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड स्थित बल्लीपुर गांव में जमीन विवाद के कारण एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। चाकू मारने का आरोप 4 युवतियों पर लगा है। घटना में शामिल 3 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। खगड़िया में मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। सरायकेला खरसावा पुलिस ने ईचागढ़ में अवैध बालू लदे दो हाईवा को जब्त किया। इस दौरान एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। मोतिहारी के चलाहा पंचायत के वार्ड नंबर 7, 8 और 9 को नगर निगम में जोड़े जाने का विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां के 95% भूमि खेतिहर है। ऐसे में नगर निगम में शामिल कर यहां के गरीब किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।